हो गया भाई, बता दो। सही है, हो गया, हो गया। चलो भैया, तो और आप हिंदुस्तान क्यों हमारे कलाकारों को भी और हमारे स्थानों का भी अभी भी फिल्मांकन हो रहा है, बहुत सी फिल्मों में हो रहा है, पर तो ज़्यादा चांस अब मिला करेगा अभी से। निश्चित बात है कि अपॉर्चुनिटी हमारे कलाकारों को भी, हमारी जो लोकल टूरिस्ट प्लेसेस हैं, धार्मिक स्थल हैं, उन सब। मैम थोड़ा सा कह दो। हाँ, फिर मुझे सब पीछे आओ। क्यों बोल रहा है कोई भी फिल्म अकेले की बस की नहीं होती है, और पूरा टीम वर्क होता है। टीम वर्क के जड़ में से ही कमलेश के मिश्र लिखते हैं, मिश्र कमलेश के मिश्र काफ़ी समय से, करीब 13 वर्षों से बहुत सारे फिल्म में आपकी मुख्य भूमिका है। जी, मैं इस फिल्म में नियति का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, जो कि कृष्ण जी को अपना भाई मानती है। एंड आपको आगे जाके पता चलेगा कि क्या रिलेशन होता है और वो किस चीज़ के लिए खड़ी होती है इस फिल्म में। इससे पहले भी आप किसी सीरियल या किसी पिक्चर में काम कर चुकी हैं? मैंने करम फलदाता शनि किया है, इशबाज में इशबाज किया है, नंथपकी प्यार के किया है, पेशवा बाजीराव किया है। फिर मैंने मूवीज़ भी बहुत सारी की हैं, MS धोनी, इंदु सरकार, एंड मैंने वेब सीरीज़ भी की है, पोशंपा, लव स्लीप रिपीट, एंड यस, एंड मेरी अभी 2 बॉलीवुड फिल्म भी आ रही हैं। कितने वर्षों से आप फिल्म इंडस्ट्री में? मैं 3-4 साल से हूँ। अब आपकी उम्र क्या है? मैं 13 साल की हूँ, 13 ईयर्स। ये फिल्म मुख्य रूप से एक छोटी बिटिया के साथ भगवान श्री कृष्ण के भावनात्मक बंधन को दर्शाता है। इसके साथ आधुनिकता को किस तरह से स्पर्श करना है, कैसे एक मॉडर्न लड़की अपने हक की लड़ाई लड़ती है, और हक क्या है वो बहुत बड़ा रहस्य है। भावनात्मक जोड़ है भगवान और भक्त के बीच में, लेकिन वो चूंकि आज की लड़की है तो बहुत ही मर्यादित और बहुत ही ढंग से वो अपने हक के लिए अपने मुखर होकर के वो लड़ती है, और इसी के बीच का द्वंद है। और एक और चीज़ मैं थोड़ा सा रिवील करना चाहूँगा, बाकी तो हम अपने दर्शकों पे छोड़ेंगे। यह मासिक धर्म जैसे गूढ़ विषय को भी लेकर के है, जो कि बहुत ज़्यादा रूढ़गत और परंपरागत चीज़ों को लेकर के जोड़ता है, और भगवान श्री कृष्ण किस तरह से उस बिटिया के साथ भावनात्मक रूप से वो अपने आप को जोड़ती, ये सारी चीज़ें इस फिल्म में बताई गई। कितने दिन तक फिल्म की शूटिंग चलेगी? ये लगभग 32 दिन तक ये फिल्म की शूटिंग यहाँ पर होगी वृंदावन में, पूरी तरह से शुरू से लेकर अंत तक यहीं पर है शूटिंग। जो पिक्चर जो है आपकी बना रहे हैं, इसका पूरी शूटिंग वृंदावन में होगी या फिर कहीं बाहर भी होगी? नहीं, पूरी शूटिंग वृंदावन में है। थोड़ा बहुत पार्ट हम लोग यहाँ के कुछ ग्रामीण अंचलों का भी शूट कर रहे हैं, तो गांव की भी कुछ दृश्य हैं इसमें, तो उसके लिए हम लोग गाँव में जाएंगे और वहाँ पर भी कुछ शूटिंग होगी, लेकिन जिला जो क्षेत्र है वो मथुरा वृंदावन है पूरा। इससे पूर्व भी कोई फिल्म बनाई गई है? नहीं, फिलहाल हमारे प्रोडक्शन हाउस नक्षत्र 27 प्रोडक्शन की तरफ से ये पहली हिंदी फीचर फिल्म। तो योगी जी को जो खोल रहे हैं फिल्म सिटी, उसी की प्रेरणा ली है क्या? देखिए, योगी जी से कई चीज़ें प्रेरणा मिली है। इसमें पिक्चर बनाने के लिए बहुत बड़ा आधार पैसे का होता है। माननीय श्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक फिल्म बंद करके एक डिपार्टमेंट बनाया है, वहाँ से सब्सिडी भी मिलेगी। हम लोग वहाँ पर भी अप्लाई किए हैं, अपनी स्क्रिप्ट वहाँ पर सबमिट किए हैं, और उसके लिए जो शर्तें होती हैं कि हमारा मैक्सिमम पार्ट यूपी में ही शूट हो, तो हम लोग पूरी तरह से इसीलिए वृंदावन और मथुरा को ही चुने हैं। और चूंकि हमारे फिल्म की पृष्ठभूमि और पटकथा ऐसी है कि इसी क्षेत्र को वो रिफ्लेक्ट करते हैं।